बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क थे बाबू मदारी लाल। उनके ऑफिस में उनकी पोस्ट से बड़ी सिर्फ एक ही पोस्ट थी और वो पोस्ट थी सेक्रेटरी की। लेकिन वो पोस्ट एक महीने से खाली पड़ी थी, इसलिए पूरे ऑफिस में बाबू मदारी लाल का राज चलता था। हमेशा लेट ऑफिस आते और जब मर्जी कहीं चले जाते। ऑफिस के सभी कर्मचारी भी उन्हीं की जी हुजूरी में लगे रहते थे। एक दिन वो सुबह 11 बजे ऑफिस आए और अपनी मेज पर एक लिफाफा पाया, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। जब लिफाफा खोला तो उन्होंने देखा कि सरकार ने सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सुबोध चंद्र नाम के एक आदमी को नियुक्त कर दिया है। सुबोध चंद्र वो आदमी था जिसके नाम से ही मदारी लाल को चिढ़ थी। वो सुबोध चंद्र जो उन्हीं की क्लास में था, जिसे परेशान करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, पर वो सुबोध चंद्र को कभी परेशान नहीं कर पाए थे। वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी, बस इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा वही मर गया होगा, पर आज मानो वो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसके नीचे काम करना पड़ेगा, इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें जरूर याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप लगाए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं, वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता ना सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों का एक ही दिन एक ही क्लास में एडमिशन हुआ था और पहले ही दिन से जलन और नफरत की चिंगारी पड़ गई थी, जो आज 20 साल बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बड़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी माफ नहीं किया। सुबोध 20 साल तक लगातार उनके दिल का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकरी करने आ गए, तब उनका मन शांत हुआ। लेकिन जब ये पता लगा कि सुबोध फौज में जा रहा है, तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वही पुरानी फांस निकल गई, लेकिन आज फिर वही जलन और नफरत जाग उठी थी। आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। लेकिन मदारी लाल भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को सुबोध के खिलाफ पहले से ही भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल के रखिएगा। सुबोध चंद्र वो आदमी नहीं है जो भूलों को माफ कर दें। आदमी योग्य है, पर बड़ा ही गुस्से वाला है। खुद हजारों हजम कर जाए और डगार तक ना ले, पर क्या मजाल कि कोई दूसरा एक कौड़े भी हजम कर जाए। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सब्जी लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही न हो। इसके एक हफ्ते बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे, तब स्टेशन पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज कितने सालों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ, आप तो कुशल से हैं। सुबोध, अजी मेरी न पूछो, इराक, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि काम कैसे चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य भी मेरे साथ जाता है। इराक में सभी अफसर खुश थे, फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। वहां से आकर कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन दफ्तर में मटर गश्त करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिल गए। मदारी लाल की जलन और नफरत और बढ़ गई। दुष्ट 25,000 रुपये इराक में कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी जमा न कर सके। सुबोध ने क्लर्कों की तरफ देखकर कहा, ये लोग कौन हैं? मदारी बोले, कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया, बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलजुल कर इस तरह काम कीजिएगा कि बोर्ड की नेक कामी हो और मैं भी सुख से रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं। वह इतना प्रसन्नचित है, इतना नम्र है, और जो उससे एक बार मिलता है हमेशा के लिए उसका मित्र बन जाता है। कठोर शब्द तो उनके जुबान पर आता ही नहीं।
इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देता। लेकिन सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, वहां भी सफल न हुए। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लेकिन उन्हें ही शर्म का सामना करना पड़ा। वे चाहते थे कि भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर वो आदमी पहचानना नहीं जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते थे। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। सुबोध किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 रुपये रखे हुए थे। वो पैसे किसी ठेकेदार को देने थे जो अभी तक आया नहीं था। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं था। उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने वो पैसे उठा लिए और अपने कमरे में आकर कागजों में छुपा दिए। सुबोध के कमरे के बाहर जो उनके चपरासी और क्लर्क थे, उनसे भी मदारी लाल ने कह दिया कि साहब के कमरे का दरवाजा बंद ही रखा करो। आजकल किसी का भरोसा नहीं कब कौन पैसे या जरूरी कागज ले उड़े। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर के बाद लौटे, तब उनके कमरे का दरवाजा बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है भाई? क्या मेरी बेदखली हो गई है? मदारी लाल ने खड़े होकर सम्मान दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक मिनट के लिए ही क्यों ना हो, तब दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपये पैसे और सरकारी कागज बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं, तो दरवाजा बंद कर दिया। जब ठेकेदार पैसे लेने आया, तब सुबोध अपनी मेज और अलमारी में पैसे ढूंढने लगे। वो सोचने लगे कि पैसे तो मैंने यहीं रखे थे, मुझे बड़े अच्छे से याद है। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए ना? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बात करने चले गए हैं, तब दरवाजा बंद कर दिया था। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर दिए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं चला। कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई शक न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग उड़ गया था। मदारी लाल ने सुबोध के कान में कहा, बैंक में कुछ रुपये हो तो निकालकर ठेकेदार को दे दीजिए, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया है, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाईजान। रुपये होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता जैसे 25,000 उड़ गए वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का इंतजाम करना उनके लिए कठिन था। मरने के सिवा उन्हें अपनी बदनामी छुपाने का कोई और रास्ता ना मिला था। दूसरे दिन सुबह चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया, सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल के होश उड़ गए। चपरासी आगे कहने लगा, उन्होंने मरने से पहले कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिख दी है कि उन्हें ऑफिस में किसी पे शक नहीं है, और आपके बारे में तो बहुत तारीफ लिखी है। वहाँ पुलिस आई हुई है और सभी कर्मचारी भी हैं। पुलिस सबके बयान ले रही है, आपको भी बुलाया है। मदारी लाल सुबोध के घर पहुंचे तो वहाँ मातम का माहौल था। घर में उनकी पत्नी, दो छोटे बेटे और एक बड़ी बेटी थी, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। सुबोध की पत्नी रामेश्वरी ने मदारी को अंदर बुलाकर पूछा, आप तो उनके बचपन के दोस्त थे, वो आपको अपना भाई मानते थे, क्या आपको पता है ये सब उनके साथ किसने किया है? रात को तो वो ये कहकर सोए थे कि मदारी लाल बहुत समय से इस शहर में रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करवा देंगे। उन्हें आप पे बहुत भरोसा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ये कदम भी उठा लेंगे। घर में दो छोटे बच्चे हैं और एक लड़की भी है जिसका अब ब्याह भी करना है, कैसे होगा अब ये सब? लेकिन मदारी लाल कुछ बोल ना सके, वो खुद की ही नजरों में गिर चुके थे। एक बार तो उन्होंने सोचा कि वो रामेश्वरी को सब सच सच बता दे कि मैं ही हूँ वो पापी जिसकी वजह से सुबोध ने ये सब किया है, लेकिन उनकी जुबान न खुल सकी और वो जमीन पर नीचे गिर पड़े। शाम को सुबोध का दाह संस्कार किया गया। उनके लड़के अभी नाबालिग थे, इसलिए मदारी ने ही उनकी चिता को आग दी।
उनकी 13वीं पर भी सब खर्चा मदारी ने ही किया। 16वें दिन रामेश्वरी ने मदारीलाल से कहा, भैया आपने हमारी बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना आज मरने के बाद कौन किसको पूछता है। लेकिन अब इस शहर में रहने को हमारे पास पैसे नहीं है। गांव में थोड़ी सी जमीन है, वहीं खेती कर हम अपना गुजारा कर लेंगे। मदारीलाल ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे आप मानेंगी। रामेश्वरी बोली, भैया जी आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन। मदारीलाल बोले, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे, आपको कष्ट न होगा। ईश्वर ने चाहा तो लड़की की भी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी। विधवा की आंखें सजल हो गई, बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारीलाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ न सोचूंगा और न सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते। सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। रामेश्वरी आगे कुछ न बोल सकी। मदारीलाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और लड़की की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो गई है। मदारीलाल और उनकी पत्नी तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं। मदारीलाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।